इतना क्रीमी टेक्सचर रेस्टोरेंट जैसा कैसे बनाया जा सकता है, आप ज़रूर इस रेसिपी को पूरा देखें। बिफोर आई स्टार्ट टूडेज रेसिपी, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल इंकरेज बाई सब्सक्राइबिंग माई चैनल शिवलीज किचन। हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। टूडे आई एम गोइंग टू शो यू रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर। कोई भी ओकेजन में हम शाही पनीर घर पे जरूर बनाते हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे इस एग्जॉटिक डिश को बनाते हैं। मैं इसको ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ। ये रेसिपी मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ, तो देखिए ऐसे ही मैं ट्रायंगल शेप में सारे पनीर को काट के रख लेती हूँ। पनीर को मैंने काट के रख लिया है, अब हम बनाना शुरू करते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया, चिली डाल देती हूँ 2 to 3, कैशियोस लॉन्ग डाल देती हूँ 2 to 3, इलायची डाल दिया, ऑनियन डाल देती हूँ, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल देती हूँ, 2 गार्लिक क्लोव्स डाल दिया, और मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टोमेटो डाल दिया, 1 टीस्पून जीरा इसमें डाल देती हूँ, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देती हूँ, हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। फ्राई हो गया है ऑनियन एंड टोमेटो, अब हम हीट को बंद करते हैं, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख देते हैं। ऑनियन एंड टोमेटो का मैंने पेस्ट बना लिया है, अब मैं इसको एक स्टिरर के सहारे छान लेती हूँ। क्रीमी पेस्ट होना चाहिए, इसको अब हम डिस्कर्ड कर देंगे। अब इसी मसाले से हम शाही पनीर बनाएंगे। कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया, अब इसमें मैं 1 ड्राई चिली और 1 बेलीफ डाल देती हूँ। इस पे मैं 1 टीस्पून के करीब बटर डाल दिया। इसमें मसाले डालेंगे आप, तो थोड़ा सा मैंने पानी पहले डाल दिया, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1 टीस्पून हींग का पानी। अब इन सबको हम पहले फ्राई कर लेते हैं। मसाला फ्राई हो गया है, अब मैं ग्रेवी को मैं इस मसाले में डाल देती हूँ और अब हम इस ग्रेवी को 5 मिनट स्लो हीट में कुक होने देते हैं। सारे पनीर को एक एक करके डाल देती हूँ, मसाले के साथ पनीर भी अच्छे से कुक हो जाएगा। शाही पनीर बनके तैयार हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा क्रीम डाल देती हूँ, ड्राई फेनुग्रीक, ग्रेवी में ये फेनुग्रीक थोड़ा सा अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए, मैं और 1 मिनट इसको कुक कर लूँगी। ये डिलीशियस शाही पनीर बनके तैयार हो गया है, देखिए कितना क्रीमी बने हैं। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। शाही पनीर बनके तैयार हो गया है, बहुत ही डिलीशियस बने हैं। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और इस रेसिपी को एंजॉय करें नान रोटी पराठा या राइस के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन ईट फ्रेश, स्टे हेल्दी।